तो दोस्तों हनुमान मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी की स्टोरी इतनी कमाल की है कि ये मूवी सभी को पसंद आ रही है। बट जो भी लोग किसी भी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पाए हैं उनके लिए अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उन सभी लोगों के लिए हमने आज की इस वीडियो के अंदर हनुमान मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है। एंड इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखकर आप हनुमान मूवी की सारी कहानी को जान सकते हैं एंड घर बैठे बैठे ही इस मूवी का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो और इस मूवी की स्टोरी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और हनुमान मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से, जिस बच्चे का नाम होता है माइकल। माइकल एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जहां पर माइकल बचपन से ही सुपर हीरोज की कई सारी कॉमिक्स पढ़ता है एंड इसीलिए माइकल को सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स बहुत ही पसंद होते हैं। बट इसके साथ ही माइकल एक साइको होता है और इसीलिए वो दिमागी रूप से इन सारे सुपर हीरो से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो खुद भी इनकी तरफ बनने की कोशिश करता है। और एक बार तो स्पाइडरमैन की तरफ बनने के लिए वो अपने आप को एक स्पाइडर से भी कटवा लेता है ताकि उसके पास भी स्पाइडरमैन जैसे पावर्स आ जाए, पर जाहिर सी बात है उसे कोई सुपर पावर्स नहीं मिलती। इसके आगे हम ये देखते हैं कि माइकल के सामने कुछ बच्चे एक अकेले लड़के को पीट रहे होते हैं एंड इसीलिए माइकल खुद को एक सुपर हीरो समझकर उसकी हेल्प करता है और उसे उन सभी बच्चों से बचा लेता है। और फिर हमें पता लगता है कि उस लड़के का नाम श्रीनिवास है, जिसे माइकल सीरी कहने लगता है। और फिर माइकल और सीरी दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद माइकल का सुपर हीरो बनने का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक बार अपनी छत पे चढ़ के वहाँ से कूद जाता है एंड वो ये सोचता है कि वो भी हवा में फ्लाई करेगा, बट वो सीधा नीचे गिरता है और उसे बहुत सारी चोटें भी लगती हैं। ये देखकर माइकल के डैड को बहुत ही गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो गुस्से से कहते हैं कि अब वो माइकल को एक बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे ताकि उसका ये सुपर हीरो बनने का भूत उतर जाए। बट अब क्योंकि माइकल एक साइको है इसीलिए उसे अपने डैड की इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड फिर वो अपने दोस्त सीरी के पास जाता है और उससे कहता है कि स्पाइडरमैन तब स्पाइडरमैन बना था जब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी एंड इसी तरह से बैटमैन भी तब सुपर हीरो बना था जब उसके फादर और मदर मर गए थे। एंड फिर इसीलिए अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माइकल अपने पूरे घर में आग लगा लेता है और उस आग के अंदर अपने पेरेंट्स को जला के जान से मार देता है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि माइकल और सीरी दोनों ही बड़े हो चुके हैं एंड माइकल अभी भी सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर सीरी उसके लिए सूट्स बनाता है और उसके लिए गैजेट्स को डेवलप करता है एंड उन सारे सूट्स को पहनकर माइकल शहर में सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि उनके शहर में एक बैंक रॉबरी होती है, जिसे रोकने के लिए माइकल एक सुपर हीरो बनके जाता है एंड वो सभी रॉबर्स को पकड़ भी लेता है। बट जहाँ पर माइकल उन सभी रॉबर्स को थोड़ा सा पीट कर उन्हें पुलिस के हवाले कर सकता था, वहीं पर माइकल उन सभी रॉबर्स को जान से मार देता है एंड यहीं पर हमें माइकल का साइकोनेस दिखता है। बट आगे हम ये देखते हैं कि माइकल अभी भी इन सब से खुश नहीं है एंड माइकल को एक ऐसी परमानेंट सुपर पावर चाहिए जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बना दे, ठीक बिल्कुल सुपरमैन की तरह। एंड माइकल सीरी के साथ मिलकर एक ऐसी ही सुपर पावर की तलाश कर रहा है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम सभी को सीधा लाखों साल पीछे इतिहास में ले जाया जाता है। इतिहास में हम ये देखते हैं कि जब श्री हनुमान छोटे थे और उन्होंने सूर्य को आम समझकर खाने की कोशिश की थी तो उसी टाइम पर उन्हें रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उन पर प्रहार किया था, जिस वजह से जैसे ही उनका वज्र हनुमान जी को लगा वैसे ही श्री हनुमान जी के शरीर से उनका एक बूंद खून निकला और वो खून सीधा नीचे गिर गया एंड देन श्री हनुमान जी का वो एक बूंद खून सीधा भारत देश के दक्षिण भाग के एक नदी में गिर गया। इसके बाद ही कहानी फिर से शिफ्ट होती है और हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है, यानी कि ठीक अभी के टाइम पर। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम होता है अंजनाद्री एंड इसी गांव के पहाड़ पर श्री हनुमान जी की ये बड़ी सी मूर्ति होती है। इसके बाद गांव के अंदर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम होता है हनुमंत। बट हम ये देखते हैं कि हनुमंत एक बहुत ही लापरवाह और आवारा किस्म का लड़का होता है। बट हनुमंत के पेरेंट्स नहीं होते हैं और वो अपने घर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है, बट उसे ना तो किसी चीज से मतलब होता है और वो ना ही कोई काम धंधा करता है। एंड इधर ही हनुमंत के साथ ही हमें इस मूवी की हीरोइन भी दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है मीनाक्षी। मीनाक्षी बेसिकली गांव से काफी साल पहले शहर गई थी और अब वो शहर से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके और एक प्रॉपर डॉक्टर बनके गांव वापस आई है। एंड यही हमें ये भी पता लगता है कि अपना हनुमंत बचपन से ही मीनाक्षी को पसंद करता है और उससे बहुत प्यार भी करता है। बट फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि इनके गांव में बेसिकली एक लीडर है एंड ये गांव के सारे लोगों को परेशान कर रखा है और उन पर जुल्म करके उन सबसे जबरदस्ती टैक्स लेता है एंड टैक्स के रूप में वो उनसे पैसे और अनाज भी लेता है। और जो भी आदमी उस लीडर का विरोध करता है वो उसे अपने अखाड़े में लाकर उसे कुश्ती के लिए चैलेंज करता है एंड उस कुश्ती में वो उन्हें मार देता है। एंड यहीं पर हम ये चीज देखते हैं, यानी कि गांव का आदमी उसके खिलाफ विद्रोह करता है पर वो लीडर उसे अपने कुश्ती में लाकर उसे जान से मारने ही वाला होता है। बट उसी टाइम पर वहाँ पर मीनाक्षी आती है और वो उसे ऐसा करने से रोक देती है और उस इंसान की जान बचा लेती है। फिर इसके बाद मीनाक्षी पूरे गांव से कहती है कि किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट तभी वो लीडर मीनाक्षी से कहता है कि ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो, ये डिसीजन गांव के पुरखों ने लिया था, तब से ही ये सारे लोग हमें टैक्स देते आए हैं एंड अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो और मुझे हरा कर तुम लीडर बन सकती हो। बट फिर मीनाक्षी पूरे गांव से कहती है कि असल में गांव में लीडर सिस्टम इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले
पहले के टाइम पर गांव में डाकुओं का हमला होता था और ये लीडर गांव को डाकुओं के हमले से बचाते थे, जिसके बदले में गांव वाले इन्हें टैक्स देते थे। बट अब जब ऐसा कुछ भी नहीं होता और गांव पर कोई भी डाकुओं का हमला नहीं होता, तो इसीलिए किसी को भी इन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एंड फिर इसके बाद मीनाक्षी सारे लोगों को वहां से भेज देती है। बट ये बात उस लीडर को बहुत ही बुरी लगती है एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो मीनाक्षी को जान से मार देगा एंड गांव वालों के ऊपर एक बेसिकली छोटा सा डाकुओं का अटैक करवाएगा, ताकि गांव वाले उससे डर के उसे टैक्स देते रहे। फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि मीनाक्षी एक बस के अंदर ट्रेवल कर रही होती है एंड अपना हनुमंत भी मीनाक्षी से मिलने के लिए उस बस के पीछे जा ही रहा होता है। बट तभी वो बस जैसे ही एक जंगल के पास आती है, वैसे ही लीडर के भेजे हुए कुछ गुंडे यानी कि वो फेक डाकू बस पर अटैक करके गांव वालों को मारने लगते हैं एंड यहीं पर ही मीनाक्षी की जान भी खतरे में होती है। बट तभी हनुमंत, जो कि उस बस से थोड़ा सा ही दूर होता है, उसके पास एक आदमी आता है और वो अपने आप को एक टाइगर में बदल लेता है एंड फिर वो हनुमंत को डरा के किसी तरह से उस बस के पास ले जाता है ताकि हनुमंत मीनाक्षी को बचा सके। यहाँ पर आते ही हनुमंत मीनाक्षी को देखता है जो कि खतरे में होती है एंड इसीलिए हनुमंत अपनी गुलेल निकालता है एंड उसी गुलेल से सभी डाकुओं को मारता भी है। बट इस तरह से वो मीनाक्षी को तो बचा लेता है, मगर वो सारे गुंडे हनुमंत को पकड़ लेते हैं और फिर वो हनुमंत को बहुत बुरी तरह से मार के उसे नदी के अंदर फेंक देते हैं। बट नदी के अंदर गिरते ही हमें ये पता लगता है कि मीनाक्षी की जान बचाने के टाइम ही मीनाक्षी के गले से एक पेंडेंट हनुमंत के हाथ में आ गया था, जो कि नदी के अंदर सीधा हनुमंत के हाथ से गिरकर नदी में और अंदर जाने लगता है एंड इसीलिए हनुमंत मीनाक्षी के पेंडेंट का पीछा करता है और वो भी नदी की गहराई में जाने लगता है, जिसके बाद मीनाक्षी के गले का वो पेंडेंट सीधा श्री हनुमान के उस ब्लड के ड्रॉ के पास चला जाता है, जो कि आज से लाखों साल पहले इस नदी में आकर गिर गया था। एंड यही हमें ये भी पता लगता है कि जब श्री हनुमान का ब्लड का वो ड्रॉप सीधा नदी में आकर गिरा था, तभी उसने एक मणि का रूप ले लिया था और वो तब से ही उस मणि के रूप में इस नदी के अंदर ही था एंड इस मणि को कहा जाता है रक्त बीज, क्योंकि ये वो मणि है जो कि श्री हनुमान के ब्लड के ड्रॉप से बना है। मीनाक्षी का वो पेंडेंट सीधा नदी में गिरते गिरते उस रक्त बीज के पास गिर जाता है एंड इसीलिए जैसे ही हनुमंत उसे पकड़ता है, वैसे ही उसके हाथ में वो रक्त बीज भी आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकती है एंड फिर जैसे ही वो रोशनी हटती है, तब हम ये देखते हैं कि हनुमंत सीधा नदी के बाहर है और वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है। बट उसके हाथों में मीनाक्षी के पेंडेंट के साथ साथ वो रक्त बीज भी है यानी कि मणि। इसके बाद ही गांव के कुछ लोग हनुमंत को वहाँ पर बेहोश देख लेते हैं एंड इसीलिए वो हनुमंत को सीधा उसके घर ले जाते हैं और उसे उसकी बहन को सौंप देते हैं, जहाँ पर उसकी बहन हनुमंत का इलाज करवाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि हनुमंत बहुत बुरी तरह से जख्मी है और उसकी कई सारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं एंड इसीलिए उसे ठीक होने में कम से कम 1-2 महीने लग जाएंगे। बट इसके बाद ही हम ये देखते हैं, उस पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, वैसे ही मणि चमकने लगती है एंड उसी मणि से हनुमंत के शरीर में पावर आ जाती है, जिस पावर के आते ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत के शरीर पर जितनी भी इंजरीज होती है, वो देखते ही देखते पलक झपकते खत्म हो जाती है एंड हनुमंत की टूटी हुई हड्डियां भी ठीक हो जाती है, जिस वजह से हनुमंत अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को बिल्कुल ही ठीक हालत में देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत की फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो गई थी, क्योंकि हनुमंत जैसे ही धीरे से एक दीवार पर हल्का सा टच करता है, वैसे ही वो पूरी दीवार ही टूट जाती है और जब वो गेट खोलने जाता है तो गेट टूट कर उसके हाथों में आ जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि अब हनुमंत के अंदर श्री हनुमान के ब्लड में छुपी हुई पावर्स आ चुकी है और इसीलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। हनुमंत की बहन जब वापस आती है, तब वो उसे बिल्कुल ही ठीक देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है एंड हनुमंत भी अपनी पावर्स की वजह से बहुत खुश होता है, जिस वजह से एक्साइटमेंट के चलते वो अपनी पावर्स को दिखाने सीधा अपने फ्रेंड के पास जाता है। हनुमंत अपने दोस्त के पास आकर उसके सामने कई सारी पावरफुल चीजें करता है, जैसे कि दीवार को तोड़ना और लोहे के रड को पिचका देना। बट इन सबको देखने के बाद भी उसका दोस्त उस पे बिलीव नहीं करता और वो हनुमंत से कहता है कि ये सब तो कोई भी कर सकता है एंड इसके लिए हनुमंत अपने दोस्त के साथ सीधा एक ट्रेन के पास जाता है और वो ट्रेन के सामने आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब वो ट्रेन को रोकेगा। बट अब क्योंकि ट्रेन बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए ट्रेन सीधा हनुमंत को उड़ा देती है। बट तब भी हम ये देखते हैं कि हनुमंत जिंदा है और उसे खरोंच तक नहीं आई है, लेकिन ये देखकर हनुमंत के फ्रेंड को उस पे बिलीव हो जाता है कि सच में हनुमंत के अंदर पावर्स आ चुकी है। इसके बाद ही हनुमंत अपने दोस्त को मीनाक्षी के बारे में बताता है और वो उससे कहता है कि पिछली रात को उसने मीनाक्षी की मदद की थी एंड उसका ये पेंडेंट उसके पास रह गया था। सो उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि अब वो सीधा मीनाक्षी के पास जाएगा और उसका पेंडेंट उसे देते हुए उसे सब कुछ बता देगा कि कल रात को उसी ने उसकी हेल्प करी थी। बट जब हनुमंत अपने दोस्त के साथ सीधा मीनाक्षी के पास जाता है, तभी पेंडेंट उसको देने से पहले गांव के एक बंदर ने उसके पॉकेट से पेंडेंट को चुरा लिया होता है, जिस वजह से हनुमंत मीनाक्षी के सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाता। बट इसके कुछ इवेंट से आगे ही ये लोग देखते हैं कि गांव के एक बूढ़े आदमी उनके सामने जहर पी रहे होते हैं एंड इसीलिए वो लोग उन्हें रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो बूढ़ा आदमी मीनाक्षी हनुमंत और उसके साथियों को बताता है कि गांव का वो लीडर उन सब पर बहुत ही जुल्म करता है और उनसे अभी भी टैक्स के रूप में न सिर्फ उसके सारे पैसे छीन लिए बल्कि उसके घर में जितने भी राशन थे वो सब भी छीन लिए हैं, जिस वजह से उसका परिवार भूखा मर रहा है एंड इसीलिए वो अपने आप को मारना चाहता है। ये सुनकर मीनाक्षी सभी लोगों को लेकर सीधा उस लीडर के पास जाती है एंड उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। बट वो लीडर सीधा मीनाक्षी को चैलेंज कर देता है
है एंड वो मीनाक्षी से कहता है कि अगर वो उसे कुश्ती में हरा देगी तो वो ये सब बंद कर देगा। बट इसके साथ ही वो मीनाक्षी के बारे में कई सारी बुरी बातें भी करता है और इसीलिए ये सारी बातें सुनकर अपने हीरो हनुमंत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड फिर वो उस लीडर को चैलेंज कर देता है और फिर उसके साथ कुश्ती करने आ जाता है। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि सूरज बादलों में छुप जाता है जिस वजह से वो लीडर हनुमंत को बुरी तरह से मारने लगता है एंड फिर हम ये जानते हैं कि असल में हनुमंत की पावर्स तभी तक एक्टिव रहेंगी जब तक सनलाइट रहेगी एंड सनलाइट के रहने के साथ साथ भी उसे मणि को निकाल कर सीधा सनलाइट में रखना होगा और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में पड़ेगी वही रिफ्लेक्शन उसके पावर्स को एक्टिवेट कर देंगी। एंड अब क्योंकि सूरज बादलों में छुपा हुआ है इसीलिए हनुमंत बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है जिस वजह से वो लीडर उसे बहुत मारता है एंड साथ ही साथ वो हनुमंत की हड्डियां भी तोड़ देता है। लेकिन फिर एट द एंड सूरज बाहर आ जाता है जिस वजह से हनुमंत की पावर्स भी लौट आती है और फिर वो बड़े आराम से उस लीडर को पीट देता है एंड साथ ही साथ वो उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देता है और फिर वो उसके पूरे सिस्टम को खत्म कर देता है। एंड फिर वो पूरे गांव से कहता है कि अब उनके गांव के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा बल्कि अब से वो लोग वोट करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से अपने गांव में मुखिया चुनेंगे। इन सारी चीजों को देखकर पूरा गांव बहुत ही खुश हो जाता है। बट तभी हम ये देखते हैं कि उनके गांव के अंदर एक हेलीकॉप्टर आता है एंड हेलीकॉप्टर के अंदर से माइकल और उसका दोस्त सिटी निकलता है और अगर आप सभी को याद हो तो ये वही माइकल है जो कि सुपर पावर्स के पीछे पागल हो रखा है। बट यहाँ पर आने के बाद माइकल पूरे गांव से कहता है कि असल में वो एक बहुत ही अमीर आदमी है और उसने सुना है कि उनका गांव बहुत ही गरीब है और उनके गांव में बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। दैट्स व्हाई वो यहां पर आया है ताकि वो गांव वालों की हेल्प कर सके। ये सुनकर मीनाक्षी उससे कहती है कि उनके गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है तो अगर वो हेल्प करना चाहते हैं तो वो गांव में हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। जो सुनकर माइकल उसकी बात के लिए राजी हो जाता है एंड वो गांव वालों से कहता है कि वो गांव के अंदर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाएगा। बट फिर इसके बाद ही हमें बैक स्टोरी में दिखाया जाता है माइकल के यहां पर आने का असली रीजन। अब आपको याद हो तो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि हनुमंत अपने दोस्त को अपनी पावर्स शो करने के लिए एक ट्रेन के सामने आकर उसे टकरा जाता है। सो असल में जब ऐसा हुआ था तो वहीं पर पास खड़े एक आदमी ने हनुमंत की वीडियो बना ली थी और उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था और फिर इसीलिए जैसे ही माइकल ने वो वीडियो देखी तब उसे देखते हुए ये समझ गया कि हनुमंत एक बहुत ही पावरफुल आदमी है क्योंकि जिसे ट्रेन के टकराने के बाद भी एक खरोंच तक नहीं आई वो कोई नॉर्मल आदमी हो ही नहीं सकता है। एंड दैट्स व्हाई वो यहां पर आया है ताकि वो हनुमंत के जरिए उस पावर को हासिल कर सके। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां पर माइकल हनुमंत से हाथ मिलाता है और वो अपने हाथों में पहने हाईटेक रिंग के जरिए हनुमंत के हाथ से ब्लड का एक ड्रॉप निकाल लेता है एंड देन फिर वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। बट फिर माइकल को ये पता लगता है कि हनुमंत के ब्लड के अंदर कुछ भी खास नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड है एंड उसके ब्लड में कोई भी सुपर पावर नहीं है। बट फिर इसके बाद ही माइकल इस बात के लिए श्योर हो जाता है कि हनुमंत की बॉडी में तो कोई पावर नहीं है लेकिन हो ना हो हनुमंत के पास कोई ऐसी चीज है जो कि उसे समय आने पर अपनी पावर्स देती है। एंड फिर इसी बारे में पता लगाने के लिए माइकल हनुमंत को किडनैप करवाता है और अपने आदमियों के जरिए उससे इंटरोगेशन करवाता है एंड खुद दूर रहकर एक कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। किसी तरह से हनुमंत मणि से पावर्स को एक्टिवेट करके उन सभी गुंडों को पीट कर वहां से निकल जाता है। लेकिन माइकल कैमरे के जरिए ये देख लेता है कि हनुमंत के पास एक मणि है जिस मणि को सनलाइट के पास लाने पर उसे पावर्स मिलती है। इसके बाद माइकल सीरी से मिलता है जहां पर हम ये देखते हैं कि उसने सीरी के जरिए अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल सूट बना रखा है, एक ऐसा सूट जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देगा। बट यहीं पर वो सीरी से कहता है कि अब उसे पता लग चुका है कि हनुमंत को उसकी पावर्स कहां से मिलती है एंड अब इसीलिए हनुमंत के साथ साथ इस पूरे गांव को मार के डिस्ट्रॉय कर देगा और उस पावर सोर्स को हासिल कर लेगा एंड उसके बाद उस पावर्स को पाकर वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। बट ये सुनते ही सीरी ये समझ जाता है कि माइकल एक बहुत ही बुरा इंसान है और असल में वो एक विलेन है जो कि हर तरफ सिर्फ मार काट करना चाहता है एंड दैट्स व्हाई सीरी ये डिसाइड करता है कि अब माइकल का साथ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो माइकल के खिलाफ विद्रोह करता है वैसे ही वो सीरी को रूम में बंद करके उस रूम के अंदर आग लगा देता है और सीरी को उसके अंदर मरने के लिए छोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि हनुमंत की बहन की शादी फिक्स हो चुकी है एंड आज के दिन ही उसकी बहन की शादी भी हो रही है। बट वहीं पर ही माइकल अपने गुंडों के साथ आ जाता है और वो हनुमंत से उस मणि को छीनने की कोशिश करता है। बट फिर यहीं पर हनुमंत मणि से पावर्स लेता है, फिर वो माइकल और उसके गुंडों का सामना करता है। बट इसी फाइट के अंदर माइकल हनुमंत पर गोली चला देता है मगर उस गोली से हनुमंत को तो कुछ भी नहीं होता लेकिन वो गोली हनुमंत के आर पार जाकर उसकी बहन को लग जाती है। ये देखकर हनुमंत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो माइकल के साथ साथ सारे गुंडों को पीट कर अपनी बहन को वहां से दूर ले जाता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि सूरज बादलों के पीछे छुप गया है जिस वजह से मणि काम नहीं कर रही थी और हनुमंत की बहन उसके सामने ही मर जाती है। इस वजह से हनुमंत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए गुस्से में आकर वो मणि को गांव के अंदर बहुत दूर फेंक देता है और वो मणि से कहता है कि इन सारे फसाद की जड़ वो मणि ही है क्योंकि अगर वो मणि उसके लाइफ में नहीं आई होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। लेकिन हनुमंत जब मणि को फेंकता है तब माइकल का एक आदमी उसे देख लेता है एंड इसीलिए वो सीधा माइकल को बता देता है जिसके बाद माइकल ये जान जाता है कि मणि गांव के अंदर ही कहीं पर है एंड इसीलिए इस बार वो अपनी पूरी तैयारी करता है और अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर सीधा गांव में आता है एंड इसके साथ ही वो ड्रोन के जरिए पूरे गांव में एक गैस फैला देता है जिसके वजह से जो भी गांव के अंदर उस गैस को इनहेल करता है वो सब अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। मीनाक्षी जैसे ही ये देखती है वैसे ही मीनाक्षी अपने सांसों
राक्षसों को रोककर सीना भागते हुए हनुमंत के पास जाती है और वो हनुमंत से कहती है कि उसे गांव को बचाना होगा वरना माइकल पूरे गांव को मार देगा। बट यहीं पर हम ये देखते हैं कि अपने बहन के मरने की वजह से हनुमंत अब पूरी तरह से होपलेस हो चुका था एंड इसीलिए वो मीनाक्षी से कहता है कि मैं तो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया तो मैं इस पूरे गांव को कैसे बचाऊंगा एंड मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। बट इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत के पास वही इंसान या फिर यूं कहूं कि वो बाबा आते हैं जिसने टाइगर का रूप लेके हनुमंत की हेल्प करी थी और उसे मीनाक्षी के पास भेजा था उसकी जान बचाने के लिए। एंड यहां पर आकर वो हनुमंत को बताते हैं कि असल में वो विभीषण है यानी कि रावण का छोटा भाई एंड इसके साथ ही वो हनुमंत से कहते हैं कि असल में उसे प्रकृति ने चुना है जिस वजह से सिर्फ उसे ही वो पावर्स मिली है ताकि वो अपने गांव और पूरी दुनिया की भलाई कर सके। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो उस मनी को फेंक दिया। इसके आगे श्री विभीषण हनुमंत को और भी समझाते हैं और वो उसे बताते हैं कि उस मनी के अंदर श्री हनुमान जी के ब्लड का एक ड्रॉप है जो सिर्फ हनुमंत के पास ही होना चाहिए बट अभी उसने उसे गांव में फेंक दिया है और अगर माइकल को वो मनी मिल गई तो वो इस पूरे गांव को ही तबाह कर देगा सो इसलिए हनुमंत को जाकर उसे रोकना ही होगा। इसके बाद हनुमंत सीधा माइकल के पास जाकर उसे रोकने आता है लेकिन माइकल के आदमी हनुमंत पर भारी पड़ते हैं बट तभी हम ये देखते हैं कि वहां पर हनुमंत की हेल्प के लिए सीरी और गांव का वो लीडर आ जाता है एंड फिर यहीं पर हमें बैक स्टोरी में ये पता लगता है कि आखिरकार ये दोनों उसका साथ क्यों दे रहे हैं। बैक स्टोरी में हम ये देखते हैं कि जब माइकल ने सीरी को रूम में बंद करके आग लगा दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था भी उस टाइम पर हनुमंत भी वहीं पर था और उसने सीरी की जान बचाई एंड इसके साथ ही बचा वो गांव का लीडर तो वो गांव के लीडर के पास हनुमंत गया था और उसने जो उसकी हड्डी तोड़ी थी उसे न सिर्फ ठीक कर दिया था बल्कि उसने लीडर को ये भी समझाया था कि अगर वो गांव में सही तरीके से रहे गांव वालों का भला करे तो गांव वाले भी उससे प्यार करेंगे एंड इसीलिए उसके पास एक मौका है कि वो एक अच्छा इंसान बनकर दिखाए एंड इसी वजह से वो लीडर उसका साथ दे रहा था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सब मिलकर माइकल के गुंडों से लड़ने लगते हैं बट तब भी माइकल उन्हें बड़े ही आराम से पीट देता है लेकिन फिर तभी गांव का वो बंदर हनुमंत के पास आता है और वो हनुमंत के हाथों में मनी दे देता है जिसके बाद मनी के हाथ में आते ही हनुमंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है एंड देन वो माइकल पर अटैक करता है। पर यहीं पर हम ये देखते हैं कि माइकल भी अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है और वो पावरफुल बन जाता है जिसके बाद ही उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है बट इस फाइट के अंदर हनुमंत माइकल से जीत जाता है एंड माइकल खत्म हो जाता है बट इसके साथ ही फाइट के एंड में वो मनी टूट जाती है और वो मनी के अंदर श्री हनुमान जी का ब्लड होता है वो सीधा उड़ते हुए हनुमंत की आंखों में चला जाता है जिस वजह से हनुमंत के अंदर श्री हनुमान जी की ट्रू पावर्स आ जाती है यानी कि वही पावर्स जो श्री हनुमान जी के एक ब्लड के ड्रॉप के अंदर है। बट इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के बहुत सारे राक्षस और मॉन्स्टर क्रिएचर्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं एंड ये देखकर श्री विभीषण कहते हैं कि उस मनी के टूटने की वजह से पूरी दुनिया के राक्षस एक्टिवेट हो चुके हैं एंड अब इसीलिए उन्हें रोकने के लिए श्री हनुमान जी को खुद आना पड़ेगा क्योंकि श्री हनुमान जी ने श्री राम से वादा किया था कि वो दुनिया को इन सभी खतरों से बचाएंगे। एंड देन फिर इसके अगले पल में हम ये देखते हैं कि कैलाश पर्वत के बहुत अंदर हमें श्री हनुमान दिखाई देते हैं बर्फ के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं बट अगले ही पल वो बर्फ टूटती है और श्री हनुमान वहां से बाहर निकल जाते हैं एंड देन वो पूरी तेजी से फ्लाई करके सीधा हनुमंत के पास आते हैं जिसके बाद जैसे ही वो हनुमंत के सामने आते हैं वैसे ही हनुमंत श्री हनुमान जी को सामने देखकर हैरान हो जाता है। बट इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये मूवी एंड हो जाती है और हमें ये बताया जाता है कि इसके आगे की स्टोरी हमें इसके अगले पार्ट में दिखाया जाएगा जिस मूवी का नाम होगा जय हनुमान और वो मूवी रिलीज होगी अगले साल यानी कि साल 2025 के अंदर जिसका मतलब ठीक सलार मूवी की तरह ही हनुमान मूवी भी असल में एक सेटअप ही है जो कि आगे आने वाले सिनेमेटिक यूनिवर्स को बिल्ड कर रही है। तो इसीलिए आप सब तैयार हो जाइए इसके आगे की कहानी को जय हनुमान मूवी के अंदर देखने के लिए। लेकिन तब तक के लिए इस मूवी की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों यही वीडियो थी हनुमान मूवी की स्टोरी के ऊपर। आप सभी को हमारी वीडियो और इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं एंड अगर आप सभी को वीडियो और मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को लाइक भी जरूर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सोच के आ रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।